होली से पहले अगर आप शुभ कार्य आदि की योजना बना रहे हैं तो ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने में इन शुभ कार्यों को जरूर निपटा लें। दरअसल मार्च के पहले ही हफ्ते में होलाष्टक की भी शुरुआत हो रही है। होली से पहले ये 8 दिनों का समय अशुभ माना गया है, इसलिए इस अवधि में शुभ कार्य करने की मनाही होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत न्यूज के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होलाष्टक कब से शुरू हो रही है, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाए उससे पहले अगर आपने लोकमत न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। रंगों का त्योहार होली मौज मस्ती का प्रतीक है। इस दिन से हिंदी कैलेंडर के पहले माह चैत्र की शुरुआत होती है। यही नहीं, होली हिंदुओं के लिए दिवाली के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्योहार भी है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। पौराणिक कथाओं में होली का जुड़ाव भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और उनकी भक्ति से नाराज असुर हिरण्यकश्यप की कहानी से है। इन सब के बीच होलाष्टक का भी अपना महत्व है। चलिए आपको बताते हैं कि होलाष्टक क्या है और कब से शुरू हो रहा है। हिंदू पंचांग और हिंदी कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक की अवधि को होलाष्टक कहा जाता है। इस बार होलाष्टक 3 मार्च 2020 से लग रहा है। इस लिहाज से 3 मार्च से 9 मार्च तक होलाष्टक रहेगा। इस बार होली का त्योहार 10 मार्च को मनाया जाएगा, वही होलिका दहन 9 मार्च को किया जाएगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा, इसलिए होलाष्टक शुरू होने से पहले तक मंगल कार्य निपटा ले। होलाष्टक के शुरू होने के साथ ही होलिका दहन के लिए लकड़ियां और दूसरी चीजों को एकत्रित करने का भी काम आरंभ हो जाता है। एक कथा के अनुसार प्रहलाद की भक्ति से नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने होली से पहले के 8 दिनों में उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट और यातनाएं दी थी, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। धर्म से जुड़ी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लोकमत न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।